Wishing you a very happy Ram Navami. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! तो दोस्तों कल तो कमाल ही हो गया। माता की जय बोलेंगे क्योंकि ये धरती भारत की है और उसमें से 2-3 हजार लोग अगर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कम लग रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। Wishing you a very happy Ram Navami. Jai Shri Ram. 200 वर्ल्ड कप खेलने आई हर टीम के खिलाड़ी भारत के रंग में रंग चुके हैं और अब तो मार्कस स्टोइनिस ने भारतीय टीम के सभी फैंस के लिए कुछ ऐसा कर दिया है ना कि पूरा देश इनका फैन बन चुका है। दरअसल दोस्तों मार्कस स्टोइनिस के फैन इंडिया में कितने सारे हैं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तो दोस्तों कल तो कमाल ही हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो फैन थे एकदम पागल हो रखे थे इंडियन टीम को लेके, इंडिया को लेके, जहाँ पे हर जगह वंदे मातरम, जय माता दी, गणपति बप्पा मौर्य, हर चीज़ का जो है नारा लग रहा था। और ऑस्ट्रेलिया के फैन शायद इसीलिए जीत गए पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया भी जीत गई। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि भाई इंडिया को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करके हराया और इस मैच में जब पाकिस्तान के क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में लौट रहे के बाद एक आउट होकर तब इंडियन क्राउड जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देख सकते हैं आप मोहम्मद रिजवान को आउट होकर पेवलियन लौटते हुए और वहाँ पर जो क्राउड है वो क्राउड जय श्री राम करके शाउट कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहां गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है। और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में ये मुझे बहुत परेशान कर रही है और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ। और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। और ऐसा मैंने बिल्कुल भी हम कोई जातिवाद नहीं है ना मानते हैं और मैं पूरी की पूरी सनातनी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। निर्देशक ABCC हूँ। मैं संज्ञान में कल एक वीडियो आया था, उस वीडियो के बेस पे हमने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन किया था और कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस कमेटी को यह निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर तत्काल इफेक्ट से उसके ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करें और उसके फाइंडिंग के बेस पे अपना रिकमेंडेशन सबमिट करें कॉलेज प्रशासन को। विद इन 24 आवर उस कमेटी ने हमें अपना रिकमेंडेशन दे दिया है। उस रिकमेंडेशन के बेस पे हम जो 2 फैकल्टी का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर
नहीं था उसको लेकर उनको हम तत्काल प्रभाव से हम कॉलेज से निलंबित कर रहे हैं। देखिए, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ही प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के एंकर ने और लोगों ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा करके पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर किया गया, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि अरे भाई, ये जय श्री राम का नारा है, आस्था विश्वास का नारा है, मानवता का नारा है, भगवान राम का नारा है, ये अल्लाह अकबर या नारे तकबीर का तो नारा नहीं है, या अल जिहाद का तो नारा नहीं है कि भाई बम फट जाएगा, ऐसा तो कोई नारा नहीं है, ये तो आस्था का नारा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारत की धरती है और भारत के संस्कार से लेकर के भगवद गीता से लेकर के भारत की प्रथाओं से लेकर के भारत के मानवता को आज पूरा विश्व मना रहा है। आज आप सोचो, सऊदी अरबिया में भी भगवद गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, सऊदी अरबिया में भी पाठ पूजा स्टार्ट हो चुका है, कई देशों में भगवद गीता को स्कूल के एडुकेशन के सिलेबस में डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक धर्म की किताब मानवता सिखाती है, अगर एक धर्म की किताब आपको एक सही इंसान, एक खूबसूरत इंसान बनाती है, तो उस किताब को पूरी दुनिया पढ़ने को तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों जय श्री राम के नारे मार्कस स्टोनस भी लगा दिए और राम नवमी का उन्होंने जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो सबको दे डाला। अब राम नवमी के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी नवरात्रि चल रही है, अभी नवरात्रि गरबा डांडिया सब कुछ चल रहा है, दुर्गा पूजा बंगाल में चल रहा है। नवरात्रि भारत में बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है और विश्व की शक्ति देवी को दी गई, धरती की शक्ति देवी को दी गई, धन लक्ष्मी देवी को दिया गया, जग धरती देवी को दी गई, सूर्य की शक्ति देवी को दे दी गई। तो ये एक ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं का सम्मान इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है जो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है और जिसका कुरान जो है वो गवाह है। लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि जन्नत सबसे खूबसूरत जो जगह है उसको माँ के कदमों के तले करार दिया, और माँ तो खुद एक औरत है। उसी माँ को 9 साल की उम्र में निकाह मुत्ता के नाम से बलात्कार कर लिया जाता है, उसी माँ को 4 बीवियों के नाम से 4 सेक्स टॉय बेड पर रख लिया जाता है, उसी पैर के जन्नत को कभी गाली गलौज किया जाता है, उसी पैर के जन्नत के सामने 4 और बीवियां बाप लेकर के आता है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बेटा खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और कुछ नहीं बोलता है। पर सनातन धर्म जब तक आकाश है, पृथ्वी है, सृष्टि है, जब तक जल है, जब तक सूर्य है, तब तक सनातन धर्म था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। तो ऐसे ऐसे धर्म को खत्म करने की बात कहना मुझे लगता है बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये चीज मुझे लगता है मार्कस स्टोनस को भी समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर्स को भी समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। और जब मैंने ये 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 उनका मैसेज देखा नवरात्रि का, वो बधाई दे रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई शैला, कि मैं आपको बता नहीं सकती।